लोग जो पढ़ने वाले हैं उसी का ही पार्ट है, इंपरेटिव सेंटेंसेस और के बारे में है, जो कि हमें पैसिव में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस को कैसे हम लोग पैसिव में चेंज करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने वो पढ़ा था, फर्स्ट पढ़ा था कि जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस शुरू हो। दूसरा हमने किया था लेट से शुरू हो। अब हम लोग करने वाले हैं जिसमें आपका ऑब्जेक्ट नहीं दिया। चलिए ठीक है, फिर भाव के हिसाब से चीजें कर रही हूँ। चलिए देखें, पैटर्न ऑफ पैसिव वॉइस ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस विदाउट ऑब्जेक्ट, इनमें ऑब्जेक्ट आपको नहीं दिया, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। देखिए, बात करने के लिए कितने लोग की जरूरत होती है, मिनिमम दो लोग की जरूरत जरूर होती है। ठीक है, जैसे जैसे कि अगर मैं कहूँ रीड, तो जाहिर सी बात है आपसे ही कहा गया होगा ना। अगर हम दोनों लोग हैं तो भाई बात करने के लिए ऐसा तो है नहीं कि एक ही लोग की जरूरत हो। अगर बात हो रही है तो फिर दो लोग होना जरूरी है मिनिमम। ठीक है, या फिर अपने बारे में बात हो रही है तो फिर बात नहीं हो रही है, फिर मैं बार बोल रहा हूँ बात। ठीक है, तो अगर बात हो रही है, ऑर्डर दिया जा रहा है, अगर ऑर्डर दिया जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है, सलाह की जा रही है, तो सामने वाले से ही सलाह, ऑर्डर और प्रार्थना जो भी है किया जाएगा, यानी कि आप मौजूद होगा, यू यानी कि मौजूद है उसमें। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो यू आर भावार्थ के थर्ड फॉर्म और टू एक्टिव वॉइस और पूरा पूरा टू के बाद पूरा पूरा वही उतार देना है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं ऐसे। देखिए, इसमें भावार्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्लीज। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। आज्ञा देना, ऑर्डर, हुक्म देना। देखिए, आज्ञा टीचर देगा, हुक्म कौन देगा? हुकुम देगा आर्मी में चीफ। ठीक है, ऑर्डर कमांड, विनती करना, रिक्वेस्ट, जैसे हम अपने प्रोफेसर से रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है, सलाह, डॉक्टर आपको सलाह देता है, सुझाव देना, सजेस्ट करता है, फ्रेंड आपको सजेस्ट करेगा, प्रस्ताव करेगा, प्रपोज कर, ठीक है, प्रपोज देना। ठीक है, मना करना, फॉरबिडन, भीख मांगना, बेग, और चेतावनी देना, बी सीज्ड। इस चीज को याद कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको तो मैंने, मुझे लग रहा है पहली बार देखा है, बस चेतावनी देना, वार्न भी कर सकते हैं, वार्निंग देना, वार्न। चलिए, तो इस चीज को आपको याद करना होगा। सबसे पहले तो सेंटेंस पढ़ने के बाद आपको भाव को पहचानना होगा कि इसके बिहाइंड बिटवीन फीलिंग क्या, किस तरह से कहा गया सेंटेंस को। ठीक है, जैसे कि कहा गया प्लीज कीप क्वाइट। ठीक है, प्लीज कीप क्वाइट, भाई टीचर कहेगा ना, तो टीचर तो ऑर्डर देगा बच्चों को, भाई प्लीज कीप क्वाइट। ठीक है, तो आप ऑर्डर दिया जा रहा है यहां पे, तो यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड, इसके बाद ये प्लीज हटा देना, यू आर ऑर्डर्ड टू कीप क्वाइट। ये देखिए, टू के बाद पूरा जो आपका एक्टिव वॉइस में है उतार देना। देखिए, मैंने उतार दिया, ठीक। चलिए, टेक मिल्क एंड फ्रूट, ये एक सलाह दी जा रही है डॉक्टर का कि दूध लो और फल लो रोज, एक डॉक्टर की सलाह हो सकती है, तो यू आर एडवाइज्ड। ठीक है, तो यू आर एडवाइज्ड, You are advised, इसके बाद टू लगा दीजिए, You are advised to take milk, milk and fruit, यहां डेरी लिख दीजिए, डॉक्टर ने सलाह दी है आपको कि You are advised to take milk and fruit, work hard। ठीक है, अगर आप अपने फ्रेंड से कहेंगे तो एक सलाह देंगे, सुझाव देंगे, टीचर कहेगा ऑर्डर देंगे, और अगर आपका आर्मी का चीफ कहेगा वर्क हार्ड, तो फिर आपको कमांड दिया जा रहा है। तो आप इसमें डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरह से सजेस्टेड भी करके बनाया जा सकता है। ठीक है, एडवाइस करके भी, रिक्वेस्ट भी किया जा सकता है, जैसे कभी कभी होता है कि रिक्वेस्ट की जाती है किसी सपने से बड़े से, प्लीज वर्क हार्ड प्लीज। ठीक है, चलिए देखिए एक चीज देखिए, प्लीज यहाँ पे हमने गलत बताया। देखिए, प्लीज जब आया है, जब प्लीज आएगा, देखिए मैं गलती ढूंढ रहा हूँ, देखिए प्लीज कीप क्वाइट, कोई प्लीज क्या कहेगा, रिक्वेस्ट करेगा ना, प्लीज कह रहा है तो रिक्वेस्ट ही होगा, तो इसको रिक्वेस्ट करें। ठीक है, प्लीज मतलब रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्टेड, इसी को देख लीजिए,
who was dead. You are requested to keep quiet. जब भी please आएगा तो इस चीज को ध्यान देना होगा, requested करना पड़ेगा, ठीक है? Please का मतलब आपको request कर रहे हैं भाई, प्लीज शांत हो जाओ यार, या फिर कहो कीप क्वाइट। अगर आप कीप क्वाइट कहोगे तो ऑर्डर्ड हो गया, अगर कहोगे प्लीज कीप क्वाइट यानी कि रिक्वेस्ट कर रहे हो कि शांत होना है, ठीक है? इस चीज को याद रखिएगा, मैंने गलत किया लेकिन सुधार किया। अभी क्या होगा कि मैंने गलत लिखा है तो दिमाग में रहेगा, अच्छा सर जी ने गलत लिख दिया था, सर ने सुधारा है, तो ये परमानेंट याद हो गया, ठीक है? ऐसे मेरे मैथ के सर थे तो वो अक्सर हम लोग बताते सर यहाँ गलत हो गया, यहाँ गलत हो गया, यहाँ गलत हो गया। तो कभी कभी ऐसे ही सर कभी फ्रेंडली माहौल में मिले हमें, तो हमने पूछा सर जी इतना गलत कैसे करते हैं आप, तो बोलते हो कि एक्चुअली मैं गलत जानबूझ के करता हूँ ताकि देखूँ बच्चे जो है क्लास में हैं या नहीं है या फिर कहीं और ही ध्यान लगा हुआ है, इसीलिए वो मतलब वो एक ट्रिक थी। चलिए बात कर लेते हैं आगे, वर्क हार्ड, इसमें आप क्या लगाना सकते हैं, प्रस्ताव कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं, ठीक है? विनती भी कर सकते हैं, ठीक है? कमांड भी दे सकते हैं, ऑर्डर भी दे सकते हैं, आप जो चाहे लगवा सकते हैं, ठीक है? अभी हिंदी का क्या है, बोलने की फीलिंग्स भी होती है, भाषा क्या है, ठीक है? कैसे, जैसे आपने वो पीके पिक्चर देखी होगी तो अच्छा अच्छा ऐसे बोलता है ना, कि बोलने के तरीके से पता चलता है किस भाव से बोला गया है, शब्द वही रहता है, ठीक है, लेकिन बोलने के तरीके से पता चल जाता है कि वो भाव क्या रखता है सामने। चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, वर्क हार्ड, अगर हम ऑर्डर करके बना सकते हैं, चलिए ऑर्डर का नहीं बनाया है तो ऑर्डर करके बना लेते हैं, यू आर ऑर्डर टू वर्क हार्ड, ठीक है? यू आर ऑर्डर टू वर्क हार्ड, ठीक है? आपको ऑर्डर दिया जाता है, आदेश किया जाता है कि आप मेहनत करो, ठीक है? ये भी कह सकते हो, कंफर्म नहीं है कि क्या कहना चाहिए, मैंने मुझे लगा ऑर्डर दिया तो ऑर्डर पे आप सजेस्ट भी कर सकते हो वर्क हार्ड, अच्छे से अपने मित्र से कहना है तो वर्क हार्ड कहोगे तो सलाह ही दोगे ना, ठीक है? प्रपोज में कोई चीज जैसे कि मैं पढ़ाना चाहता हूँ, जैसे मैं आइडिया लेके आऊँ तो मैं प्रपोज करूंगा, यू आर प्रपोज टू डू वर्क दिस वर्क, यू आर प्रपोज टू गो देयर, ठीक है? तो प्रस्ताव की बात हो गई, तो ये इस चीज को इंपॉर्टेंट है, ये चीज जो आपकी इंपॉर्टेंट है, बाकी आपकी इंपॉर्टेंट कम, इस चीज को आपको याद करना पड़ेगा। ऑर्डर कमांड भी कहते हैं, देखिए ऑर्डर की बात अगर कमांड की बात कर लेते हैं तो मोस्टली ऑर्डर वही दे सकता है, जैसे आप बेसिकली आर्मी में या पुलिस वालों को जो ऑर्डर दिया जाता है, ऑर्डर नहीं सॉरी कमांड, ठीक है? ऑर्डर तो टीचर दे सकता है बच्चों से अपने, और विनती कर सकता है, रिक्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है? एडवाइस सुझाव सजेस्ट ये सब आपको सेंटेंस में आएगा, लेकिन एक चीज तो कंफर्म है प्लीज आ रहा है तो आदमी रिक्वेस्ट ही कर रहा है, इस चीज पे बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए कि प्लीज में आ रहा है तो रिक्वेस्ट कर रहा है। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, इस इंपॉर्टेंट चीज में ये देखिए आपको याद होना चाहिए, ठीक है? जैसे अब देखिए किल हिम, अगर सेंटेंस आए किल हिम तो क्या बनाओगे भाई, तो क्या बनाओगे? You are pleased to kill him. बना सकते हैं, ठीक है? तो देखिए अर्थ का अनर्थ नहीं होना चाहिए बाकी सेंटेंसेस में, अगर एक मित्र मित्र को बता रहा है तो सलाह दे रहा होगा, सजेस्ट कर रहा होगा, ठीक है? इस चीज को याद करना पड़ेगा आपको, याद क्या करना पड़ेगा, जब आप इंग्लिश पढ़ेंगे तो चीजों को बार बार मैं यही कह रहा हूँ, जितना आप इंग्लिश को पढ़ोगे, इंग्लिश की बुक कर पढ़ोगे, अगर इंग्लिश को आपको सुधारने का तरीका अगर आपको जानना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आप बुक पढ़ो, अगर न्यूज़पेपर मिले तो बहुत अच्छा है, रूटीन में डालिए। देखिए इंग्लिश मैं भी हिंदी मीडियम का ही पढ़ाऊँ, मेरी इंग्लिश आज नहीं अच्छी है, ठीक है? और शुरुआत में भी नहीं अच्छी थी, लेकिन उस बीच में बहुत अच्छी कर ली थी मैंने, क्योंकि रोज़ इंग्लिश में आता हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ता था, शुरू में तो मैंने द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ना शुरू किया क्योंकि वो आसान होता पढ़ने में, फिर मैंने द हिंदू शुरू किया, फिर अब फिर ग्रेजुएशन में तो सब इंग्लिश में हो गया, फिर समझ लीजिए ग्रेजुएशन में 3 साल मैंने हिंदी पढ़ी नहीं, और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में जो मैंने किया उसमें भी हिंदी नहीं पढ़ी, तो 5-6 साल मैंने हिंदी पढ़ी ही नहीं, तो सिर्फ इंग्लिश टू इंग्लिश हो गया, इसलिए पढ़ सका मैं, बेसिक फंडा बता सकता हूँ मैं क्यों पढ़ सका, क्योंकि मैंने ग्रामर को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया था, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया था कि मुझे सब चीज़ आसान लगी, इंग्लिश भी बोलनी नहीं आती थी मुझे, तो मैंने वही 3 महीने का कोर्स किया, इंग्लिश का बोलना आ गया, प्रैक्टिस की आ गया, ठीक है? इंग्लिश बोलना बिल्कुल कठिन काम बिल्कुल नहीं है, आप
20-30 दिन में प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको आ जाएगी। तो इम्पॉर्टेंट ये है बेसिकली ग्रामर पोर्शन, अगर आपका स्ट्रांग है तो आप बोलने में कोई हिचकिचाहट जो होती है, थोड़ी बहुत नर्वसनेस सबको भी होती है, मुझे भी होती है, अभी मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं कि बोल नहीं सकता क्योंकि मैंने प्रैक्टिस छोड़ दी, इसलिए बोलने में शर्माता हूँ या हिचकी कह सकते हैं, हिचकता हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे बोलनी नहीं आती, लेकिन वही आदमी होता है नॉर्मल तरीके से। तो ये था मेरा वीडियो, बार बार मैं कह रहा हूँ इंग्लिश में मैं बात आ रहा हूँ कि मेरा चैनल है UPS LRED, इसको आप सब्सक्राइब करिए। देखिए 3 विषय तो मैं पक्के कर दूंगा, अच्छे हो जाएंगे आप सबके, बच्चों को हो, बड़े को हो, जो भी देखो। एक्चुअली मुझे पता नहीं है कि कौन देख रहा है, इसलिए मैं नहीं कहता हूँ कि आप देखो, ना ही मैं क्लास भी डाल रहा हूँ क्योंकि टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ। मेरे जो छोटे बच्चे हैं 6 के, कुछ 6 के बच्चों को जो बिल्कुल नहीं आ रहा वो भी देखें, 7 का भी देखें, 8 का भी देखें, इससे जो पढ़ रखा उसका रिवाइज होगा, जो पहली बार पढ़ रहा है उसको तो ठीक है, एक बार ही पढ़ रहा है, इसीलिए क्लास नहीं डालता हूँ, आप देखिए सारे लोग देखिए, ठीक है। तो फिर मिलूंगा एक और वीडियो के साथ, उम्मीद है मजा आ रहा होगा पढ़ने में, सेफ रहिए और थैंक यू, पढ़ते रहिए।